गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 71 करने वाले हैं। ये छठी क्लास से आठवीं क्लास के लिए है, ठीक है। कॉमन वर्कशीट है। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे अपने विद्यार्थी का नाम। जो भी विद्यार्थी हैं आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या कहता है। कहता है जी, प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। विद्यालय खुले हुए हैं, टीचर जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं जा पा रहे। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है, ठीक है। किताब आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, इससे आपकी पढ़ाई भी होती है और मनोरंजन भी होता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और काम काज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, महामारी चल रही है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो आपने पढ़ाई के अलग अलग तरीके कुछ बना लिए होंगे। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें। अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें। अपनी सुविधा अनुसार एक टाइम टेबल सोचें आंखें बंद करके 5 मिनट तक। फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाले जगह के सामने दीवार पर लगा दें, ठीक है। सामने दीवार पर लगाइए। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करते हैं। रोचक और मनोरंजक तरीके से पढ़ाई करने के लिए हम कुछ और बातें करते हैं। तो देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, आपने अपने घर में पढ़ाई की जगह कहाँ है। अपने घर में पढ़ाई की जगह कहाँ है, इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, लिखिए। देखिए, मेरी पढ़ाई की जगह मेरा कमरा है। मेरी पढ़ाई की जगह क्या है, मेरा कमरा। मैं अपने पढ़ाई कमरे में पढ़ाई करता हूँ। क्यों करता हूँ जी, क्योंकि यहाँ शांति रहती है, बहुत ज़्यादा शांति। मैं आराम से पढ़ लूँ इसलिए यहाँ कोई आता नहीं है। मैं आराम से पढ़ सकूँ इसलिए कोई भी घर वाले मेरे यहाँ पर नहीं आते हैं, ठीक है जी। अब देखिए आगे क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं। हमारी पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं। मैं अपने माता पिता से पूछ लेता हूँ, ठीक है जी। बड़े भाई से पूछता हूँ, बड़ी बहन से भी पूछ लेता हूँ। मैं मोबाइल का यूज़ भी करता हूँ कुछ क्वेश्चन समझने के लिए। मैं किताबें भी देखता हूँ, और जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो मैं अपने टीचर को भी फ़ोन कर कर उनसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। देखो बच्चों, हम विद्यालय नहीं आ पा रहे हो आप लोग जो है, तो इसलिए आपकी क्या चल रही हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। आपको वर्कशीट दी जा रही है, वर्कशीट से पढ़ाई कर रहे हो, और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर रहे हो। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाती है, आपके टीचर आपको भेजते हैं, उससे भी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आगे कहता है, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। तो मेरे साथ मेरा बड़ा भाई पढ़ता है और मेरी बड़ी बहन पढ़ती है, ठीक है जी। आपके दोस्त भी हो सकता है आपके साथ पढ़ते हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। अगर हमारे पास स्मार्टफोन है तो क्या करते हैं, हम सर को फ़ोन कर लेते हैं या YouTube पर देख लेते हैं, ठीक है जी। या तो सर को फ़ोन कर लेते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं हम, या YouTube पर हम देख लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं, लिखिए। हम अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं जी, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी हैं, या सर को फ़ोन करके पूछ लेते हैं। सबसे पहले हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, क्योंकि बार बार सर को फ़ोन करना अच्छा नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम सर पहले अपने दोस्तों से पूछते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम सर को फ़ोन करके सर से पूछ लेते हैं। आगे कहता है, अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, कहता है पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो पढ़ाई के बीच में हम क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, कभी योगा कर लेते हैं, यानी कि कभी वीडियो गेम खेल कर लेते हैं, और कभी गाने सुन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हम अपना क्या कर लेते हैं, बीच बीच में मनोरंजन कर लेते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट क्या हो गई है, पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें,
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।